Yes, sir. Sports Council. Aye, aye. J&K Sports Council. Aye, aye. Kochanda Hut. Athera. Kochanda Hut. Athera. Sada Hut. Athera. Sada Hut. Athera. Sada Hut. Athera. Sada Hut. Athera. Kochanda Hut. Athera. Kochanda Hut. Athera. Kochanda Hut. Athera. J&K Sports Council. Aye, aye. J&K Sports Council. Aye, aye. Kochanda Hut. Athera. Kochanda Hut. Athera. Sada Hut. Athera. Sada Hut. Athera. ऐसी आज हमने प्रोटेस्ट J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ किया है, क्योंकि 2016 में काउंसिल द्वारा 48 कोचों की NS क्वालिफाइड की पोस्टें की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसमें 17 NS क्वालिफाइड कोचेस अप्लाई करते हैं और उनका प्रोसेस चलता है, उनके इंटरव्यू होते हैं, मगर रिजल्ट अभी तक नहीं आउट होता। जब हमारे कोचेस इसके लिए RTI लगाते हैं काउंसिल में, उनको उधर से पता चलता है हमारे एक्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल परा साहब, उनके द्वारा एक फाइल घुमा दी जाती है जिनमें इन कोचों का फ्यूचर था। तब ये डिसाइड करते हैं हमारे सभी ये कोचिस भाई, ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब ऑनरेबल कोर्ट भी इनके हक में ऑर्डर करता है और निर्देश देता है स्पोर्ट्स काउंसिल को कि 4 महीने के अंदर ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। मगर उस 4 महीने को ख़त्म हुए आज साल से भी ज़्यादा हो चुका है। काउंसिल के सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहते और इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, जिससे हमारे कोचेस हरास हैं, आज रोडों पर हैं, बिल्कुल हताश हो चुके हैं। जिन कोचेस को आज ग्राउंडों में बच्चों को, यूथ को ट्रेन करना था, आज वो अपने हक की लड़ाई इस रोड पे लड़ रहे हैं और यूथ कांग्रेस उनका पूरा साथ देने के लिए रोडों पर आ चुकी है। और यूथ कांग्रेस इस मीडिया के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक ही डिमांड करती है कि इन कोचेस को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए ताकि इंसाफ मिल सके। अगर ऐसा करने में को एडमिनिस्ट्रेशन असमर्थ रहती है तो यूथ कांग्रेस इन कोचों के साथ कदम से कदम मिलाकर इनकी नियुक्ति तक इनका साथ देती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।